बातें गांव की है, जहां बच्चों की आवाजें नहीं बल्कि सन्नाटे का मातम था, जहां के लोग रात में काम पर निकलते और एक रहस्यमय डाकिया। आओ लखन, बैठो। बेटी नेहा, जरा दो कप चाय ले आना। लखन एक डाकिया है और मुखिया जी का पक्का चेला। लगभग रोज ही 2 घंटे मुखिया जी के पास बैठता है। ये लीजिए बाबूजी चाय। लखन, ये मेरी बहू है, आर्यन की पत्नी। खुश रहो बेटी, अब तो तुम ही इस गांव को शराब मुक्त कर सकती हो। क्या लखन, कुछ भी बोलते हो। नेहा, तुम अंदर जाओ। डाकिया डाक देकर चला गया, लेकिन नेहा को बहुत अजीब लगा। गांव को किस शराब से बचाने की बात हो रही थी और नेहा क्या कर सकती थी। बाबूजी, ये डाकिया क्या कह रहा था, इसका मतलब क्या है। कुछ नहीं बेटी, वो तो कुछ भी बोलता है। लेकिन नेहा के दिमाग में उधेड़ बुन चल रही थी। पिताजी, गांव सुनसान क्यों पड़ा है, कहां गए सारे लोग। बेटा, वो सभी काम पर गए हैं। लेकिन पिताजी, अभी तो 10 बज रहे हैं। इस समय काम पर, और काम पर बच्चे भी जाते हैं क्या। हाँ, अभी सरकार द्वारा गांव के पास ही हाईवे बनाने का काम चल रहा है, सभी उसी की मजदूरी में लगे। बच्चों को रात में घर छोड़ने से अच्छा उन्हें साथ लेकर जाते हैं। लेकिन गांव के पास से तो कोई हाईवे नहीं गुजर रहा। और तुझे क्या पता यहाँ का, तू तो विदेश में रहता है। आर्यन समझ नहीं सका कि उसके पिताजी उससे मजाक कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है। अक्सर उसे अपने पिताजी की बातें कुछ बहुत अजीब लगती थी। घर के सभी लोग सोने चले गए। अभी कुछ ही वक्त बीता था और दूर कहीं से कुछ अजीब आवाजें आनी शुरू हुई। इन आवाजों से आर्यन की नींद टूट गई। नेहा, नेहा, नेहा जागो। क्या है आर्यन, सोने दो यार। सुनो जरा, कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ, ये आवाजें तो कल भी आ रही थी। मैंने सोचा शायद गांव में कोई कार्यक्रम होगा। रोज होती संदिग्ध बातों की वजह से आर्यन और नेहा को कुछ शक होने लगा था। पिताजी, रात में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी, किस चीज की आवाजें हैं वो। कैसी आवाजें, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम भी ध्यान मत दो उन आवाजों पर। आर्यन और नेहा ने गांव में घूमने का प्लान बनाया। तुम्हारा गांव तो बहुत सुंदर है, मेरा मन तो कर रहा है कि यहीं रह जाऊं। मन तो मेरा भी करता है यार रुकने का, लेकिन काम की मजबूरी। घूमते घूमते वो दोनों गांव के बाहर बने खंडहर तक पहुंच गए। ये तो काफी पुराना लगता है, शायद अंग्रेजों के जमाने का। तभी एक गांव वाला उन्हें अंदर जाने से रोकता है। बाबूजी, अंदर मत जाइए, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से दूर चले जाइए। ये कहकर आदमी गायब। इस अजीब घटना के बाद आर्यन और नेहा घर लौट आए। मुझे समझ नहीं आया कि वो लंबा चौड़ा आदमी एकदम से गायब कहाँ हो गया। इस गांव में कुछ तो अजीब है आर्यन, लोग अच्छे हैं लेकिन थोड़े अजीब। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो नेहा। खैर छोड़ो, आज गर्मी बहुत है, मैं नहाने जा रहा हूँ। आर्यन बाथरूम के अंदर जाता है और बाथरूम के अंदर से एक चीख सुनाई देती है। नेहा दौड़कर बाथरूम में देखने जाती है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। बाथरूम का दरवाजा खुला और आर्यन को खून में नहाया हुआ देखकर नेहा चीख पड़ती है। ये सब क्या है, कैसे हुआ। मैंने तो नहाने के लिए शावर चलाया था, उसमें ये खून निकलने लगा। थोड़ी देर बाद मुखिया जी और डाकिया घर आते हैं और आर्यन उन्हें अपने शावर से खून निकलने वाली बात बताता है। मुखिया जी, आपके घर में भी वही समस्या है जो पिछले साल रामाधीर सिंह के घर में हुई थी। क्या बकते हो तुम लखन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। डाकिया चुप रह जाता है। डाकिया चाचा, कैसी समस्या। रामाधीर के घर में भूत बाधा थी।
क्या चाचा आप भी, हो सकता है ऊपर पानी की टंकी में कोई जानवर मर गया हो और उसी का खून हो। फिर रामादीर के घर की समस्या कैसे सुलझी? गांव के पास वाले खंडर में मुखिया जी बीच में ही रोकते हुए, चुप करो लखन, बच्चों को डराओ मत और तुम दोनों अंदर जाओ और आराम करो। लेकिन पिताजी, उस खंडर के बारे में मुझे जानना है। बताइए ना डाकिया चाचा, कैसे सुलझी वो समस्या? डाकिया आर्यन को रामाधीर के घर की भूत बाधा दूर करने की बात बताता है। मैं बातों में विश्वास नहीं करता, भूत प्रेत सिर्फ किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं। उस दिन को गुजरे कई दिन हुए। नेहा जब शीशे में देखकर अपने बाल बना रही थी, तभी उसे पीछे से किसी के गुजरने की आहट हुई। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नेहा ने किचन में काम खत्म होने के बाद सोचा कि छत पर खुली हवा में बैठा जाए। आर्यन, मैं छत पर जा रही हूँ, तुम भी चलो। नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तुम हो आओ। नेहा के जाने के कुछ सेकंड बाद ही उसके चीखने की आवाज आती है। आर्यन दौड़कर देखने आता है, नेहा सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ी है। नेहा को होश आता है, वो बेड पर है और मुखिया, आर्यन और डाकिया उसके पास है। अब कैसा महसूस हो रहा है? सिर में थोड़ा दर्द है और पैर में भी। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से मुझे धक्का दिया। ये बात सुनकर सब बहुत ज्यादा डर गए। मुखिया जी, हो ना हो, ये सब रामाधीर के घर जैसा ही है। मैं नेहा की जान खतरे में नहीं डाल सकता। डाकिया चाचा, आप जल्दी इस बाधा का कोई उपाय कीजिए। मैं आज ही तांत्रिक बाबा खड़क भूषण को बुला लाता हूँ। शाम का समय था, वो तांत्रिक भी आ गया। अब मैं आ गया हूँ, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। बाबा, जल्द से जल्द इस समस्या को उपाय करिए। उपाय हो जाएगा, लेकिन तुम सभी को आज रात खंडर में रुकना होगा। थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद सब मान जाते। खंडर में सभी गांव वाले इकट्ठे हैं। आर्यन गांव वालों को वहां देखकर हैरान होता है। अरे, यहां तो सभी गांव वाले हैं, मैं सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूं। नेहा अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करती है, लेकिन डाकिया, मुखिया और तांत्रिक को छोड़कर एक भी गांव वाला कैमरे में दिखाई नहीं देता। ये गांव वाले तो हाईवे के काम में लगे थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन सा हाईवे बेटा, हाईवे के काम वाली कहानी तो झूठी थी। सारा गांव पिछले 6 साल से इसी खंडर में रात के समय शैतान की साधना करने के काम में लगे हुए हैं। कुछ गांव वाले नेहा को पकड़ लेते हैं। यही औरत हमें मुक्ति दिलाएगी, इसे हमारे आका के चरणों में ले चलो। ये क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि आप हमारे घर की भूत बाधा दूर करेंगे। दूर जा मूर्ख, यही नवविवाहिता औरत इस गांव को शाप से मुक्त कर सकती है। शैतान को बलि चाहिए। गांव वाले आर्यन को पकड़ लेते। मुखिया, डाकिया भी काले कपड़ों में वहां तंत्र मंत्र करने में लगे हुए थे। पिताजी, आप भी लोगों में मिले हुए हैं, आप अपनी बहू को मारने जा रहे हैं। यही उपाय है बेटा, पूरे गांव के शाप मुक्त होने का। कुछ देर टोना टोटका करने के बाद वो लोग नेहा की बलि शैतान को देने ही जा रहे थे। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारा तो उन्हें जाता है जो जिंदा हो, तुम इन गांव वालों में से किसी को नहीं मार सकते। ये बात सुनकर आर्यन सोच में पड़ गया। मुखिया जी, आप इस तलवार से इस औरत का सिर शैतान के चरणों में बलि कर दीजिए। जैसा आप कहें महाराज। मुखिया तलवार मारने ही वाला था, तभी वहां एक लड़का पुलिस को लेकर पहुंच गया और पुलिस ने डाकिया, मुखिया और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन एक इंसान की बलि भूतों की जिंदगी बचाने के लिए जा रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना, भूतों की जिंदगी जो 6 सालों से कैद में थी। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे और क्यों, तो कमेंट कीजिए। अगला पार्ट जल्दी आएगा।